बाल कटवा लिया, बियर्ड ट्रिम करवा लिया है ना। आज सुबह सुबह मैं उठा और मैं ना ढूंढ रहा था अपना कैनन का बैटरी चार्जर, वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था। मैं सुबह से व्लॉग नहीं कर पाया, फिर मैंने सोचा कि जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जाऊंगा तभी मैं सीधा व्लॉग करूंगा। फिर मैंने सोचा कि ब्रो मतलब तू रीजंस क्यों दे रहा है इतने, अपने आप को खुद को रीजंस क्यों दे रहा है। मतलब जब तूने व्लॉगिंग चालू किया था तब तेरे पास कैमरा नहीं था, तू फोन से ही करता था। मेरा वर्कआउट कर रहा था तभी मैं ये सोच रहा था, तो मैंने सोचा चल यार वर्कआउट कर रहा है, फोन है तेरे पास अभी भी सही सलामत, तू चालू कर दे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेस आ जाते हैं ना तो लोग खुद को ही रीजंस देने लग जाते हैं। मैं वही कर रहा था। आई थिंक आई शुड गेट रेगुलर कैमरे का बैटरी, जब मिलने का रहेगा तब मिल जाएगा। मैं चीजों को ज्यादा आजकल फोर्स नहीं कर रहा हूँ है ना, ऐसा सोच रहा हूँ जो होता है सही हो रहा है, कुछ तो रीजन रहेगा उसके पीछे, मैं ज्यादा पुश नहीं कर रहा। बाकी बाल कटवा लिया, थोड़ा सा ट्रिम करवा लिया, मतलब देखना चाहूँगा कि सही लग रहा है। हाँ चलो ठीक है। मेसी भी, मतलब मोस्टली मेरा बाल मेसी रहता है क्योंकि मैं बाल जब ऐसे सेट कर रहा था तो मेरा बाल सेट नहीं हो रहा था, ऊपर के बाल ज़्यादा ही बढ़ गए थे, पीछे के बाल अभी भी छोटे ही लग रहे थे है ना। बाकी मैं जा रहा हूँ घर पे, तुम लोग को आने का जून में, किधर मालूम है? IKF के लिए। ये देखो Hashtag, listen to Hectic. Oh, they fan. This is history. I'm telling you, this right here is something rare. It's something rare. This is special for me. I gotta say, IKF is a home. बाल पीछे से देखा ही नहीं मैंने, कैसा दिख रहा है। हम कब तक निकलेंगे? 6 बजे निकलते हैं। चलेगा। 8 बजे स्टार्ट होता है ना? हट क्या था भाई? ब्रो, लेट मी टेल यू, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट रेसिपी जो रिया ने क्रैक किया है। ब्रो, आई मीन ये इतना सिंपल है बनाना, बट तुमको राइट चीजें पता होनी चाहिए। बेस्ट चीज ये है कि ये बनता है एयर फ्रायर में और ऑयल नहीं लगता उसमें, सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स है, चिकन है और अंडे में ऐसा मिक्स किया हुआ है। और क्या चीज़? मैं खा लेता हूँ, फिर तुम लोग से मिलता हूँ। बाकी तो सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे बढ़िया, खुद से मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अच्छा लग रहा है फोन पे ब्लॉग करके इतने टाइम बाद। भाई हम रेडी हो गए है ना, ये आज का फिट है एकदम नाइस। ये कॉर्नर भी अच्छा है ना फिट दिखाने के लिए, एस्थेटिक एकदम है ना। बाकी हम लोग लेट हो रहे हैं, फटाक से निकलते। मैं मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी शो जा रहा हूँ, बताओ, वो भी इंग्लिश में। कोई बाहर से आया हुआ है, रसल क्या नाम है उसका, बोलो तो सही नाम क्या है? हाँ, रसल पीटर नाम है उसका।
हीटर्स दो जन आ रहे हैं एस लगा है ना बताओ अब मस्ती मस्ती में उसने कुछ मेरे को पूछ लिया इंग्लिश में मैं तो उसको ये बोलूंगा चलो फटाक से चले जाते अरे चलना गुलफोशियों का मौसम था हम पर कभी सरगोशियों का मौसम था कैसा जोयूं ज़्यादा दम में तरवाता ज़्यादा रंग मेरा दिलबर मेरा मुझे छोड़ गया वो पिछले महीने के 26 को हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और ममन ने B1 बोला B1 यहाँ पर पार्किंग है और यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है कि अगर तुमको शो पे जाने गए तो ग्राउंड फ्लोर से जाओ तुम वो वाला बेसमेंट में ठीक है अभी क्या ही बोल सकते हैं अपेरेंटली हम लोग शूट नहीं कर सकते भाई बहुत ही बड़ा शो है हैं अपना ग्राउंड फ्लोर तो मैं ये बोल रहा था कि तुम शो रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो तो समझ सकते बट तुम उठ के बीच में सुसु भी नहीं जा सकते ये मुझे पता नहीं था बुरा होएगा ना अरे बट सुसु ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना नहीं एक घंटे के सेट है उससे पहले सुसु कर लेता हूँ मैं मेरे को तो बहुत आता है सुसु पहले टिकट्स ले लेते हैं हाँ भाई हम लोग इतने भूखे थे कि चिलीज में जाके मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया कि मैं 4 बजे खाना खाया था उसके बाद मैं कब से इसको शो पे भी शो भी 8 बजे बोला था कुछ अराउंड 8:30 चालू हुआ मैं इसको बोल रहा था कि अगर कोई और कॉमेडियन होगा ना तो निकल जाएंगे फिर फर्स्ट कॉमेडियन आया और हम लोग हंस हंस के पागल भाई साहब बट क्या शो मेरे को कैनिबल ने बोला था कि रसल पीटर्स जो है वो एकदम नाइस कॉमेडियन है मैंने बोला कि कितना ही नाइस होएगा और मेरे को ऐसा लगा था कि स्टैंड अप जाके मतलब मैं हंसूंगा नहीं मेरे को समझ लो ठीक है एक तो इंग्लिश में था तो मेरे को ऐसा ऑलरेडी ये हो रहा था कि मेरे को शायद से मैं बहुत सारी चीज़ें मिस करने वाला हूँ क्योंकि मेरा दिमाग में पूरा टाइम और चीज़ चलते रहता है फोकस नहीं कर पाता हूँ मैं बट देन फर्स्ट वाले का फिर भी मैं इतना मेरे को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ बट रसल पीटर्स ओ माय गॉड क्या लेजेंड है वो ओफ मैं चाहता हूँ कि वो शो जो उसने किया वो जल्दी से जल्दी YouTube पे आ जाए और मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं बट मेरे को लगता नहीं है वो रिकॉर्ड हुआ है क्या बात कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने डिस्क्लेमर देखा था कि ये शो का ऑडियो और विजुअल कहीं पे भी नहीं आने वाला है ओ माय गॉड अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से तुम लोग को जाना चाहिए ये शो मतलब क्या एक्सपीरियंस हो जेन ज़ी के ऊपर से उसने बात किया है और हर चीज सेंसिटिव पे बात किया है और मतलब सिर्फ मीन नहीं मुझे लगता है बहुत ज्यादा नुआंस्ड टेक था हर चीज के ऊपर इतना सेंस बनता है हर चीज बात का मतलब जब ये मेरे को बता रही थी ना कि वो एक ग्लोबल कॉमेडियन है तो मैं यही सोचता था ग्लोबल कॉमेडियन होता क्या है मेरे आज वो चीज एक्सपीरियंस किया और मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ना मैं जेन्युइनली एक ऐसे इससे गया था कि नहीं यार कितना ही अच्छा होगा मतलब कितना ही फनी हो सकता बट फिर मैं बोला कि ये इंसान डिजर्व करता है ग्लोबल लेवल पे क्योंकि वो और मेरे को पता नहीं था कि वो इंडियन है उसमें इंडियन रूट्स है उसमें
स्पीचलेस. मैं उसको शो खत्म होने के बाद मैं यही बोलो मैं रिग्रेट करता अगर मैं खाने निकल जाता तो. हाँ. जैसे मैंने मॉर्निंग में भी मेंशन किया कि मैं ना चीजों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ आजकल. चार्जर नहीं मिल रहा था मैंने फोर्स नहीं किया. हाँ. मैंने बस तुमको बोल दिया मिलता है तो ठीक है नहीं मिलता तो ठीक है भाई. क्या करूँ अभी. सिमिलरली मैंने तुमको बोल दिया कि चलो खाने चलते हैं. इसने ये नहीं बोला मेरे सुबह एक आंख खुला था इसने मेरे को बोला चार्जर ढूंढ देना जाते चार्जर ढूंढ देना. मैं तो बहुत ढूंढा चार्जर. हाँ बट मैंने वही उसके बाद ऐसा पढ़ा नहीं रहा मैंने. हाँ. ब्लॉग नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा वो नहीं. मैंने चालू कर दिया. अच्छा है. वैसा आई लाइक इट. मुंबई में भी हो रहा है ये शो. दिल्ली में भी हो रहा है बैंगलोर में भी हो रहा है. नेक्स्ट हो सके तो जाओ. मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ अगर फुटेज नहीं आने वाला है तो तुम लोग बहुत बड़ा चीज मिस करने वाले हो. मतलब उफ क्या मैसेज. मेरे को ऐसा लगता है कि कॉमेडियंस वन ऑफ द वोक पीपल है. हाँ. अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा वोक अगर कोई है तो वो कॉमेडियंस है. इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड. हाँ. है ना. मतलब वोक सिर्फ उनको पता है वो किस चीज पे शॉट्स ले रहे हैं. एग्जैक्टली. और कैसे लेना है और क्यों लेना है. मतलब उन्होंने तो इन्फ्लुएंसर्स का भी इतना मजाक उड़ाया ना. अरे और हम लोग हंस हंस के पागल हो रहे हैं. इन्फ्लुएंसर्स का तो भाई एकदम लेजेंड. एकदम लेजेंड. क्या आदमी. उफ मैं और फर्स्ट एक्सपीरियंस बेस्ट था कि नहीं था भाई. फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम वो इंसान को देखा. नहीं स्टैंड अप पे जाने का फर्स्ट एक्सपीरियंस. हाँ बट कभी भी फ्रंट रो में नहीं बैठने वाला मैं. एग्जैक्टली. यप. ओ भाई बहुत बुरा होता है फ्रंट रो वालों के साथ. हम तो कभी नहीं बैठ सकते. छोटे रूम वाले इसमें स्टैंड अप में भी नहीं जाऊंगा मैं. यूट्यूब पे देख लूंगा. पीछे बैठेंगे. बड़ा ऑडिटोरियम रहेगा जैसा आज गया था तो ही जाऊंगा. ऑडिटोरियम इतना नहीं सही वाला. बस खाली सीट बड़ा ही. मतलब ऐसा लग रहा था ट्रेन में बैठा हो कि मतलब पीछे से कोई हमेशा ऐसा कर रहा है मेरे को. उसका कोई कीमती सामान में अपने पीठ से छू रहा बोल के ऐसा पूरा टाइम पुश करके रख रहा है. बट एनीवेज अमेजिंग एक्सपीरियंस. मतलब मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है ये. लाइफ का. मैं एक घंटे के लिए मेरे दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं. मैं सिर्फ वो इंसान को सुन रहा हूँ. और मैं हंस रहा हूँ. बीच में खाली एक 5-6 मिनट के लिए पोस्ट करने चला गया था. इंटरनेट नहीं आ रहा था तो उस पर फोकस था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कितने टाइम बाद इतना हंसा हूँ. और अच्छा ही हुआ शूट वूट करने का नहीं बोल दिया उन्होंने. पूरा फोकस फिर उस पर ही था. राइट. एनीवेज आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं. तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है. तुम लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और दुआ. अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में. यू गाइस सुन मेरे का बैटरी ढूंढ दो ना प्लीज. प्लीज मेरे कैमरे का बैटरी ढूंढ के दो ना. बाय. या तो फिर मेरे को नया कैमरा लेके दो ना. बाय. QR कोड डाल दो क्या यहाँ पर. बोलता हूँ ना 10-10 रुपया कलेक्ट करके. 600 लोग देखते हैं आजकल वीडियो. 600 लोगों ने भी अगर 10-10 रुपया करके डाला तो भी कितना होता है. 6,000 रुपया कम होता है यार. कमा के भी 6,000 ही कमा पाऊंगा. कैमरा आता भी 60,000 का. मतलब एक और जीरो कहां से लेके. 100 रुपए मांगने पड़ेंगे. 100 रुपए नहीं मांग सकता मैं. 100 रुपए हेवी हो जाता है. मेरे को पता है 100 रुपया बहुत महंगा होता है. मैं 100 रुपये.